जो लेंगे हिस्सा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर। हिमाचल प्रदेश में आपके साथ रवि राजपूत। वहीं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की तरफ से शिमला में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। वहीं 20 सितंबर 2023 को प्रदेश कार्यालय में आयोजित होने वाले इस कार्यशाला के प्रथम चरण में इस योजना के अंतर्गत 3 जिले शिमला, सोलन और सिरमौर जिले के कार्यकर्ता भाग लेंगे। आपको बताते चले कि महेन धर्माड़ी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मुख्य वक्ता के रूप में मार्गदर्शन करेंगे। आपको बताते चले कि वहीं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा साल 2023 और 24 में 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश के शिल्पकारों और कारीगरों के लिए प्रारंभ की गई ये योजना इस वर्ग के सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि के लिए प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है, उसकी कल एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला शिमला में आयोजित की जा रही है। और इस कार्यशाला में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय धन सिंह रावत जी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। इस योजना के अंतर्गत गांव में रहने वाले कारीगर, शिल्पकार जो इस देश की संस्कृति, इस प्रदेश की जो एक ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर जो काम धंधा करते हैं, उद्योग चलाते हैं, उनके विकास के लिए, उनके आर्थिक सहयोग के लिए ये योजना प्रारंभ हुई है। और इसी के अंतर्गत कल शिमला में पार्टी कार्यालय के अंदर एक 3 जिलों की, क्योंकि 3 जिले ही इसके प्रथम चरण में हिमाचल प्रदेश के आए हैं, सोलन, शिमला और सिरमौर, उसकी कार्यशाला आयोजित की जा रही है। और पूरे इन 3 जिलों से 50 प्रतिभागी इसमें सहभाग लेंगे और इस योजना को गांव स्तर तक और निचले स्तर तक जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचाने का काम पार्टी करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हिमाचल प्रदेश के बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश की सुख की सरकार अपने मित्रों को खुश करने में लगी हुई है और विकास के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि सीमेंट के दामों में लगातार वृद्धि की जा रही है, जबकि डीजल में वेट लगाने से लोगों पर महंगाई का मार पड़ा है। आपको बताते चले कि राकेश शर्मा ने कहा कि आज सरकार को बने 10 महीने का समय बीत चुका है और सरकार एक भी उस गारंटी को पूरा नहीं कर पाई है जो चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठ का सहारा लेकर सत्ता में आई थी, लेकिन यह अधिक दिनों तक नहीं चलने वाला। उन्होंने कहा कि 1500 रुपए के नाम पर महिलाएं अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं। आपको बताते चले कि बेरोजगारी रोजगार की राह देख रहे, आपको बताते चले कि उन्होंने कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पूछा कि 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार कब देंगे। जब से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है, वैसे तो बहुत लोभ लुभावने इन्होंने सपने दिखाए जनता को, नौजवानों को कई गारंटियां दी, लेकिन उसके उपरांत जब इनको सत्ता मिली तो सत्ता मिलते ही ये अपने किए हुए वादे सारे भूल गए। और आते ही इन्होंने डीजल के बैट पर 3.5 रुपए का इजाफा किया। उसके उपरांत हाल ही में इन्होंने 3 रुपए और बढ़ाए। जब डीजल में बैट बढ़ता है तो महंगाई भी चरम सीमा पर पहुंचती है। उसका सीधा असर जो पड़ता है वो आम जनता, गरीब मानुष पे पड़ता है। वहीं खबर सिरमौर से है, जहां रेणुका जी बांध परियोजना के अंतर्गत वन भूमि क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कार्यालय ददाहू की तरफ से पेड़ों की गिनती करने से जनसंघर्ष समिति ने रोक लगाई है। आपको बताते चले कि जनसंघर्ष समिति का कहना है कि जब तक विस्थापितों की मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक भूमि में पेड़ों की गिनती
नहीं की जाए। जनसंघर्ष समिति की तरफ से काश्तकारों की मांग को प्रमुखता से प्रशासन और बांध प्रबंधक के सामने रखा है। ग्राम सिंह में जो HPPCL के द्वारा पेड़ों की गिनती की जा रही थी उसको हमने रुकवा दिया है, और पहले भी हमारी SDM साहब के साथ संगड़ा में भी बैठक हुई है जिसमें HPPCL के बांध प्रबंधन के अधिकारी भी थे, और उन्होंने कहा कि 16 तारीख को हम आपको आप हमारे पास दो अपने संघर्ष समिति के सदस्य भेजें और हम आपको कुछ इसके बारे में फैसला देंगे। हमने दो ही बंदे 16 तारीख को ददाहू में मीटिंग के लिए भेजे, लेकिन जब उनकी मीटिंग खत्म हुई तो हमने उनसे पूछा कि भाई हमें कुछ इसके बारे में बताइए, तो उन्होंने कहा भाई जो हमने किया इसकी हम कार्रवाई की आपको प्रति नहीं दे सकते। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां चंबा जिला अंतर्गत आने वाले साच पास मार्ग भारी बर्फबारी के चलते बंद हो गया है, जिसके चलते पांगी घाटी को जाने वाले मार्ग का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है और अब घाटी के लिए पूरी तरह से आने जाने के लिए रोक लग गई है। बता दें कि साच पास पर करीब 1 फीट के आसपास ताजा हिमपात हुआ है जिसके चलते ठंड काफी बढ़ गई है और सीजन की पहाड़ी पहली बर्फबारी है। अब इस तरफ जाने वाले मार्ग पर लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो जाने के चलते पुलिस प्रशासन को भी जिला प्रशासन ने एहतियात बरतने के लिए कहा है, लिहाजा बर्फबारी से घाटी में काफी ठंड बढ़ गई है। बता दें कि जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी के रहने वाले हजारों लोगों को अब चंबा पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर के गुलाबगढ़ या फिर मनाली रोहरांग के रास्ते से होकर जाना पड़ रहा है। सभी को विदित है पिछले 2-3 दिनों से, जैसे कि पहले कहा भी गया था कि मौसम खराब होगा और काफी बारिश भी हुई और बर्फबारी हुई है हायर रीचेस पे, इसके चलते जो हमारा साच पास है वो वहां पे बर्फबारी हुई वो बंद हो गया है वाहनों के लिए, किसी भी प्रकार के वाहनों के लिए। जो ये जोत है चंबा और चवाड़ी के बीच में उस पर भी बर्फबारी हुई थी तो कल के दिन वो भी बंद थी। आने वाले दिनों में अब मौसम में यदि सुधार होता है तो उस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता कि, परंतु अभी के लिए जो साच पास है वो बंद है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां शिमला में इस बार सर्दियों के आगाज आम सालों के मुकाबले जल्द हुआ है। आपको बताते चले कि अक्टूबर महीने में ही प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी दर्ज की जा चुकी है, वहीं आगामी दिनों में एक बार फिर से मौसम का खराब रहने का संभावना जताया गया है। वहीं प्रदेश के अंदर आगामी 22 और 23 अक्टूबर को एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसके चलते प्रदेश के अंदर बरसात और बर्फबारी भी देखने के लिए मिल सकती है। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से 27 अक्टूबर से एक बार फिर से मौसम के खराब रहने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि 22 अक्टूबर को धर्मशाला के मैदान में न्यूजीलैंड और भारत के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच होना है और खराब मौसम इस मैच का मजा खराब कर सकता है। 2 से 3 दिन मौसम ठीक रहेगा, अभी कोई मौसम खराब होने की संभावना नहीं है, लेकिन 22 और 23 में एक पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है, लेकिन वो पश्चिम विक्षोभ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्टिव है और बहुत पूरे प्रदेश में बारिश होगी, लेकिन प्रदेश के जो ऊपरी हिस्से हैं जिसमें मुख्य तौर पर चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, शिमला और कांगड़ा के जो ऊपर के एरियाज हैं वहां पे संभावना है कि 22 और 23 तारीख को लाइट टू मॉडरेट हल्की से मध्यम दर्जे की बर्फबारी और बारिश हो सकती है। देखिए उस दिन इवनिंग और नाइट्स में कुछ संभावना है, हल्की सी प्रोबेबिलिटी है कि मौसम खराब हो सकता है, 40% चांस है कि उस टाइम पे जो है इवनिंग्स और नाइट्स में खासकर कि बादल और हल्की बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में आपदा के बाद पर्यटन को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में आगामी 26 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक कांगड़ा के बीड भीलिंग में प्री पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया है जिसमें भारत समेत 32 देश के पैराग्लाइडर हिस्सा लेंगे। वहीं CPS किशोरी लाल ने बताया कि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के बीड भीलिंग में प्री पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सीएम सुक्खू के नेतृत्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर तरह से प्रयास किया जा रहा है, और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार ने 5 सालों तक इस घाटी को दरकिनार किया है और कोई भी खेल प्रतियोगिता नहीं करवाई। वहीं जिला परिषद कैडर की काम छोड़ो हड़ताल को लेकर किशोरी लाल ने कहा कि आपदा के समय में हड़ताल करने का उचित समय नहीं है, मुख्यमंत्री इसको लेकर बात की जाएगी ताकि इस समस्या का जल्द ही समाधान निकाला जा सके। कर्मचारियों से आपदा के इस समय में सहयोग करने की उम्मीद जताई गई है। वैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत बीड़ बिलिंग पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व में नंबर 1 साइट है। इस वर्ष पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक किया जा रहा है और 32 देशों के जो पायलट हैं, पैराग्लाइडर हैं, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इसके अलावा हमारे देश के हिंदुस्तान के कई जो पायलट हैं, पैराग्लाइडर हैं, वो भी हिस्सा ले रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।